1770 किलोमीटर की पदयात्रा की, फिर भी बीजेपी की राह आसान नहीं बना पाए अन्नामलाई। पूर्व आईपीएस से कहां हुई चूक, जनता ने क्यों नकारी उनकी मेहनत। बीजेपी को भारी पड़ा अन्नामलाई पर भरोसा जताना या कुछ और रही वजह। भारतीय जनता पार्टी, जिसे नॉर्थ की पार्टी कहा जाता है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उसने दक्षिण पर खूब फोकस किया, इसका फायदा भी उसे मिला। फिर क्या हुआ जो तमिलनाडु में बीजेपी एक सीट ही जीत पाई। दक्षिण के दूसरे राज्यों में बीजेपी ने कहीं उम्मीद से ज्यादा तो कहीं उम्मीद से कम प्रदर्शन किया, यानी नतीजे संतोषजनक रहे। तो फिर तमिलनाडु में आकलन कैसे फेल हो गया? क्या अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला गलत साबित हो गया? एक आईपीएस के तौर पर जनता के बीच लोकप्रिय रहे अन्नामलाई बीजेपी को जीत दिलाने में विफल कैसे हो गए? क्यों जनता ने अन्नामलाई के किए हुए कामों को सिरे से नकार दिया? तमिलनाडु में बीजेपी एक ही सीट अपने खाते में कर पाई, लेकिन वोट शेयर के मामले में बीजेपी ने बढ़त जरूर दर्ज की। इसका काफी श्रेय तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई को जाता है, लेकिन इतनी बुरी हार की उम्मीद बीजेपी को नहीं रही होगी, इसलिए अन्नामलाई पर सवाल उठने लगे हैं। जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अब पार्टी इनसे अध्यक्ष पद वापस ले लेगी या अन्नामलाई खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, जल्द ही अध्यक्ष बदला जाएगा। इन तमाम कयासों के बीच अब सवाल ये है कि आखिर इस हार की वजह क्या रही, इस पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कोयम्बटूर सीट के नतीजे बता देते हैं, जहां से बीजेपी ने के अन्नामलाई को टिकट दिया था। कोयम्बटूर से डीएम के प्रत्याशी को जीत मिली। गणपति पी राजकुमार को 5,68,000 वोट मिले। वहीं बीजेपी के अन्नामलाई दूसरे नंबर पर रहे। के अन्नामलाई को 4,50,000 वोट मिले। तो नतीजे बताते हैं कि अन्नामलाई का प्रदर्शन खराब नहीं रहा, लेकिन क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2021 में इन्हें मात्र 36 साल की उम्र में पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, ऐसे में इनकी जिम्मेदारी तो बनती है। अन्नामलाई के बारे में बताएं तो वहां की जनता का मानना है कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अन्नामलाई के लिए कहा जाता था कि वो जहां भी जाते हैं लोगों के चहेते बन जाते हैं, वो काम ही कुछ ऐसा करते थे। इनके तबादले की खबर सुनते ही लोगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता था। अन्नामलाई ने बिंदूर तालुका में 10वीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं के लिए अक्षत देवाडिगा छात्रवृत्ति की शुरुआत की। इसी तरह 27 मार्च 2015 को उडुपी पुलिस ने एक सुरक्षा ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकता था, साथ ही उस शिकायत पर क्या काम हो रहा है वो भी देख सकता था। तो अब बताइए कि ऐसे व्यक्ति को जनता क्यों नहीं प्यार करेगी? ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति पर बीजेपी ने भरोसा जताया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी तमिलनाडु में पिछड़ गई? इसको लेकर अलग अलग जानकारों के अपने मत हैं, लेकिन अधिकतर राजनीति के जानकारों का दावा है कि बीजेपी को AIADMK की नाराजगी भारी पड़ गई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK की राहें जुदा हो गईं। इसकी प्रमुख वजह तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई थे। उनके बयानों से AIADMK नाराज थी और गठबंधन तोड़े जाने की बात कह रही थी। अन्नामलाई ने द्रविड़ आइकन CN अन्नादुरई पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अन्नामलाई से माफी मांगने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक भाजपा से अन्नामलाई के इस्तीफे की मांग को लेकर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद इस गठबंधन को तोड़ दिया गया और दोनों अलग हो गए। अन्नामलाई ने तमिल का किला बीजेपी को फतह कराने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने बीजेपी के लिए समर्थन जुटाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और रोड शो किए। इतना ही नहीं, 7 महीने लंबी पदयात्रा भी निकाली। इस दौरान उन्होंने 39 संसदीय क्षेत्रों और 234 विधानसभाओं में 1770 किलोमीटर की दूरी पाट ली। उन्होंने 100 से ज्यादा स्ट्रीट कैंपेन मीटिंग में लोगों से संवाद किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बीजेपी के सिंघम की दहाड़ कमजोर हो गई। हालांकि पिछले चुनाव के नतीजों के मुताबिक इस बार एक सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हो सकी। तो क्या AIADMK से दूरी ही बीजेपी को नुकसान कर गई? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।